श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोता जनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री राधा माता चिंतन से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जिसका शीर्षक है श्री राधा स्वरूप की गुण महिमा, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। जैसे भगवान श्री कृष्ण नित्य अनादि है, वैसे ही श्री राधा रानी भी नित्य अनादि है। जैसे सारे जीवों की भांति भगवान प्राक्तन कर्म तथा संस्कारवश तदनुरूप पंच भौतिक देह धारण करके कर्मफल नहीं भोगते और न वे जीवों की भांति अहंकार आसक्ति कामनावश नवीन कर्म करते हैं, इसी से भगवान के जन्म कर्म दिव्य असाधारण अलौकिक तथा अप्रकृत है। उनका विग्रह नित्य सच्चिदानंदमय है, उसका न तो ग्रहण और त्याग है, न उसमें हानोपदान है और न वह उदयास्त स्वभाव है। वह नित्य सत्य कालातीत और निर्विकार है। वैसे ही सच्चिदानंद विग्रह दिव्य भगवादानंच धनीभूता नित्य हलादिनी मूर्ति श्री राधा रानी का यह मंगल विग्रह भी सर्वथा दिव्य है। सच तो यह है कि श्री राधा रानी की भगवान श्री कृष्ण से नित्य अभिन्नता है। स्वयं श्री कृष्ण ही स्वरूपभूत प्रेम रसास्वादनार्थ श्री राधा रूप में नित्य विद्यमान है और समय समय पर भारत की पुनीत धरा को परम पवित्र करने के लिए भगवान की भांति ही वे अपनी प्रकृति स्वयं प्रकृतिम में अधिष्ठित होकर अपने निज माया योग माया से प्रकट होती हैं। केवल श्री राधा ही नहीं, भगवान तो उस समय अवतरित समस्त वृंदावन को ही नित्य चिदानंद बतलाते हैं। वे कहते हैं, जैसे मैं नित्य विग्रह हूँ वैसे ही हे रुद्र ये सभी नित्य है। यहाँ मेरे पिता माता सखा गोपगण गौवे और वृंदावन सभी नित्य और चिदानंद सारात्मक है। इस वृंदावन को मेरा आनंद स्वरूप ही समझो। दिव्य प्रेमराज में श्री राधा रानी अधिरूढ़ महाभाव की या मधुरा रति की सकल संपदा संपन्न सजीव मूर्ति है। श्री कृष्ण मेरे हैं, इस मदीय रति रूप गोपी भाव के चरम तथा परम परिपूर्ण परिणति अथवा इसका मूल उद्गम स्थान श्री राधा रानी ही है। इनके इस मदीय रति के नित्य वशीभूत हो दिव्य प्रेम स्वरूप स्वयं रसराज शिरोमणि श्री कृष्ण राधा के प्रति आत्मसमर्पण किए रहते हैं और अपनी काव्य व्यह रूपा समस्त गोपीजनों के समेत श्री राधा का अपना स्वभाव तथा स्वरूप प्रियतम श्री कृष्ण का सुख संपादन ही बन जाता है। यही मधुर लीला स्वादन है। वास्तव में इस मधुर उज्ज्वल लीला में एक ही परम रस तत्व आस्वाद आस्वादक तथा आस्वादन रूप बनकर नित्य लीलायमान है। नित्य सिद्धा गोपंगणाओं में और नित्य सिद्ध भगवत परिकरों में सब कुछ विशुद्ध सत्व में अप्रकृत तत्व ही होता है। उनके अप्रकृत चित्त में श्री कृष्ण प्रीति सुकेक्षा या सहज सर्वत्याग में विशुद्ध प्रेम सहज ही वर्तमान रहता है। साधन सिद्ध गोपंगनाओं तथा भक्तों में पवित्र मंजरी साधना से या भगवत कृपा से क्रमश आगे बढ़ते हुए विशुद्ध प्रेम का उदय होता है। प्रेम के विशुद्ध भाव की वृद्धि होने पर प्रियतम श्री कृष्ण के प्रति अनन्य आसक्ति तथा अनन्यात्मकता का दृढ़ प्रादुर्भाव हो जाता है। वही प्रेम उच्च स्तर पर पहुंचकर भाव बन जाता है। भाव का अर्थ है प्रेम की अत्यंत प्रगाढ़ सर्वानिवेदनमय स्थिति, जहां अपनी स्मृति सत्ता केवल प्रियतम की सुखरूपता के रूप में ही बची रहती है। इस भाव की परम प्रकार स्थिति का नाम ही महाभाव है। इसी महाभाव में मोदन मादन भाव का उदय होता है। इनमें भी मादन सर्वोपरि है, जो श्री राधा रानी का स्वरूप ही है। यह मन वाणी बुद्धि से अगोचर अनिर्वचनीय अचिंत परमोत्कृष्ट विशुद्ध प्रेम श्री राधा रानी में नित्य मूर्तिमान होकर लीला करता रहता है। इस लीला में सर्वत्र केवल सहज त्याग, केवल सहज अनुराग और केवल सहज सर्वसमर्पण रहता है। इस विशुद्ध परम प्रेम की मूर्तिमती सजीव प्रतिमा राधा मुख्या श्री व्रजंगनाय लोक परलोक एवं भोग मोक्ष की कामना लेश शून्य रहकर श्री कृष्ण सुखार्थी जीवन धारण करती है। उनमें श्रृंगार सज्जा है पर अपने लिए नहीं, उनमें भोग सुख का त्याग है पर किसी अपने त्याग सुख या मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए नहीं, उनमें ममता है पर वह है केवल प्रियतम श्री कृष्ण के सुख में ही।
उनमें योग क्षेम है, पर वह भी परिपूर्ण होकर प्रियतम श्री कृष्ण के सुखार्थ ही है। वे सुस्वादु भोजन पान करती है, पर अपने स्वाद सुख के लिए नहीं, केवल श्री कृष्ण सुखार्थ ही। वे संयम पूर्ण व्रतोपवास करती हैं, परंतु किसी अन्य फल की कामना से नहीं। श्री कृष्ण सुखार्थ ही, उनमें मान भी है, लोभ भी है, अहंता भी है, आसक्ति भी है और कामना भी है। पर वह मान श्री कृष्ण के प्रेम सुख आस्वादन की वृद्धि के लिए है, लोभ श्री कृष्ण सुख के विस्तार का है, अहंता नित्य उनकी सुख रूपता में है, आसक्ति उनकी मधुर सुखमय मुस्कान में है और कामना केवल उन प्रियतम श्री कृष्ण के सुख की ही है। वे जगत के समस्त वर्ताव व्यवहार करती हैं, पर उन सब में भोग विराग है, आसक्ति का त्याग है तथा संयम की सुरक्षा है। उनमें कहीं भी अपने अहं की मंगल कामना से या सुख कल्पना से कोई संपर्क ही नहीं है। काव्य व्यरूपा अनंत गोपियों सहित श्री राधा जी का यही मधुर मनोहर स्वरूप है। इसी से श्री राधा प्रियतम श्री कृष्ण के नित्य सहज आराधिका होकर भी नित्य तृप्त नित्य निष्काम भगवान श्री कृष्ण के हृदय में अपने दिव्य स्वरूप भूत सुख की अपेक्षा भी कहीं विलक्षण श्री राधा के द्वारा दिव्य रसमय सुख प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न करती रहती है, और इसी से उनको भगवान की पवित्रमय परम आराध्या भी बनना पड़ता है। ऐसी श्री राधा के त्रिभुवन पावन परम पवित्र सर्व त्याग में प्रेम की स्मृति जगाने वाले आज की यह मंगलमय परम पुण्यतिथि भाद्र शुक्लाष्टमी है। हमारा परम सौभाग्य है कि हम आज इन सर्व समर्पणमय परम त्याग में विशुद्ध प्रेममय श्री कृष्ण की आराधिका आराध्या श्री कृष्णात्मा नित्य दिव्य लीला विहारिणी नित्य निकुंजेश्वरी भगवती श्री राधा का परम पवित्र स्मरण करके अपने को धन्य कर रहे हैं। इस पवित्र प्रेम का सांकेतिक स्वरूप यूं समझिए, इंद्रिय सुख इच्छा से विरहित अतिशय मधुर कृष्ण अनुराग, प्रियतम सुख में सहज उदित सर्वस्व त्याग मन भोग विराग, दिव्य ज्योति योगी वांछित शुचि सिद्धि अनेक अलौकिक भुक्ति, तीव्र ज्ञान साधन संयुक्त ज्ञानी जन वांछित दुर्लभ मुक्ति, नहीं कामना लेश किसी में नहीं कामना ममता मदमान, केवल हृदय प्रेम रसपूरित निर्मल निरूपम दिव्य महान, देना ही देना है जिसमें लेने का ना कहीं कुछ काम, नित्य देने को नित्य लेना ही सहज मानती वृत्ति ललाम, राधा मुख्या गोपी जन में रहती यही भाव अभिराम, इसी प्रेम आस्वादन के लोभी नित्य रहते हैं श्याम। इस विशुद्ध प्रेम का सर्व प्रथम प्रारंभ त्याग से होता है, और ऋषि मुनि वांछित मोक्ष सुख पर्यंत स्वसुख वांछा के सहज त्याग से ही इस प्रेम का यथार्थ प्राकट्य होता है। आज का मानव तो काम कलुष कलंकित और सर्वथा काम मोह भोग परायण हो रहा है, इसी सर्व त्याग के नाम पर भी भोग लालसा चरितार्थ करने में संलग्न है। एक युग था जब समारंगण में ठीक शास्त्र संपत्ता के समय भगवान श्री कृष्ण को दिव्य ज्ञानोपदेश करने तथा अर्जुन को उसे सुनने का सुअवसर प्राप्त था, और जिसको सुनाकर भगवान युद्ध रूप घोर कर्म का अध्यात्मिकरण करके युद्ध के द्वारा ही भगवत धाराधन भगवत पूजन आदि के संपादन से मानव जीवन की चरम तथा परम गति लाभ करने का अर्जुन को अधिकारी बना दिया था, और कहाँ आज ऐसा दुर्दिन है कि धर्म तथा उपासना के क्षेत्र में भी गंदी राजनीति आ गई है, और वहाँ भी नीच स्वार्थ की सिद्धि के लिए दुर्योजनाएं बनती है। आज का मानव इस भीषण कामोपभोग परायणता के कारण सर्वथा असुर भावपन होकर धर्म ईश्वर सत्य मानव सेवा लोक सेवा देश सेवा और न्याय के नाम पर भी अत्यंत समिति नीच स्वार्थ साधन में संलग्न है। इसी से आज का मानव भगवद गीता के समय के उस आध्यात्मिक मानस धरलता की कल्पना ही नहीं कर सकता, और इस बुद्धि भ्रम के कारण ही आज के कुछ विद्वान भगवद गीता को उपदेश युद्ध स्थल में हुआ था ऐसा नहीं मानते। इस परिस्थिति में पवित्रम गोपी प्रेम या महाभाव श्री राधा के परमोत्कृष्ट सर्वत्याग की बात तो समझ लेना असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन अवश्य है, परंतु जीव का वास्तविक लक्ष्य भगवत प्राप्ति या भगवत प्रेम की प्राप्ति ही है। अतएव भगवत कृपा से जीव के चित्त को इस ओर खींचने खिंचाने का विशुद्ध प्रयास करना सभी का कर्तव्य है। इसीलिए श्रृंगार प्रचार की तनिक भी
कल्पना ना करके विषाशक्ति त्यागपूर्वक भगवान के प्रति केवल विशुद्ध प्रेम उदय हो, इसी उद्देश्य से इस राधाष्टमी महोत्सव का प्रारंभ किया गया था और इसी उद्देश्य से इसे चलाया भी जा रहा है। तथापि हम लोगों के स्वभाव दोष से विषय विरक्ति तथा भगवत प्रेम का जितना प्रचार प्रसार होना चाहिए था, वैराग्य राग रसिकता आकार विशुद्ध भगवत अनुराग रस का जितना प्रादुर्भाव होना चाहिए था और कम से कम कौतूहल तथा नाटक मात्र ना रहकर इसको जितना परम आध्यात्मिक साधन का सूत्रपात करने वाला होना चाहिए था, वैसा यह नहीं हो पा रहा है और अधिकांश लोगों के लिए यह एक धार्मिक मेला मात्र रह जाता है। यह अवश्य विचारणीय है और इसके लिए हमारे विचारों में, कार्यों में, कार्य पद्धति में एवं उत्सव में सम्मिलित होने वाले महानुभाव तथा देवियों के विचारों और कार्यों में ऐसे सफल परिवर्तन की आवश्यकता है जिससे हमारा यह महोत्सव प्रभु प्रेम प्राप्ति का एक अमोघ साधन बन जाए। जिह्वा के मम अग्र भाग पर रहे विराजित राधा नाम, मेरी आंखों के सम्मुख नित रहे राधिका रूप ललाम, कानों में नित रहे गूंजती राधा कीर्ति कथा अभिराम, बना रहे श्री श्री राधा का गुण गण चिंतन मन अविराम। बोलो श्री कीर्तिदा कुमारी श्री राधा रानी की जय, श्री राधा रानी की जय। इस प्रकार से ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी को धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।